दोस्तों आज मैं आपको रिम्स रांची मेडिकल कॉलेज में MBBS की क्लासेज जहां चलती हैं उन क्लासरूम्स का टूर करवाने वाला हूं। यानी ये वीडियो है लेक्चर थिएटर टूर का। इस कड़ी में हम सबसे पहले आए हैं ALT यानी एनाटोमी लेक्चर थिएटर। इसे मिनी ऑडिटोरियम के नाम से भी जाना जाता था। ये लिखा है लेक्चर थिएटर, ये है एंट्री का रास्ता और ये बिल्डिंग्स 50 साल से भी पुराने, 50 साल पुराना ये लेक्चर थिएटर। और वो सामने वो जो लाल दीवार दिख रही है वो है नए एकेडमिक कॉम्प्लेक्स की दीवार। वहाँ पे नए लेक्चर थिएटर बनाए जा रहे हैं। फिलहाल इस लेक्चर थिएटर में क्लास नहीं चलते, यहाँ लेक्चर नहीं लिए जाते। कोरोना महामारी के वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता था कोरोना रिपोर्ट्स बांटने के लिए। वो सामने पुरानी बिल्डिंग दिख रही है जहाँ अभी फिलहाल क्लासेज चलते हैं, और ये स्टेडियम और राजेंद्र पार्क। और अब ये देखिए 50 साल से भी ज़्यादा पुराने लेक्चर थिएटर्स कैसे दिखते थे। हालांकि उस समय के हिसाब से काफ़ी स्टैंडर्ड रहा होगा। बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी, बेंच डेस्क, पंखे, लाइट्स, सामने की तरफ ब्लैक बोर्ड और स्क्रीन भी लगा हुआ है। इसे कभी मिनी ऑडिटोरियम के नाम से जाना जाता था जब रिम्स में नया ऑडिटोरियम नहीं बना था, और इसका इस्तेमाल मूवीज़ वगैरह और छोटे मोटे कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए भी किया जाता था। ये सामने लिखा भी हुआ है इंचार्ज मूवी सोसाइटी। हालांकि अब तो रिम्स में नया ऑडिटोरियम बन चुका है जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड है। और अब ये है वो जगह जहां फिलहाल प्रेजेंटली क्लासेस चलती हैं MBBS स्टूडेंट्स की, मतलब ये है प्रेजेंट वर्किंग लेक्चर थिएटर। और आने वाले फ्यूचर में शायद यहां क्लासेस ना चल के नए एकेडमिक कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं नेक्स्ट बैच से शायद वहां क्लास चले, लेकिन फिलहाल क्लासेस यहां चलती हैं। और हम अंदर चल के देखेंगे कि यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, बैठने की क्या व्यवस्था है। तो आइए अंदर चलते हैं। ये है अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ, लेक्चर थिएटर में अंदर घुसने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ से आप आ जा सकते हैं। आइए चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्लासरूम के अंदर का नज़ारा। और ये है लेक्चर थिएटर का फर्स्ट व्यू। यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये लेक्चर थिएटर्स भी काफ़ी पुराने हैं, इसीलिए नए लेक्चर थिएटर्स और नया एकेडमिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो सुविधाएं मिलती हैं उनसे कहीं बढ़ चढ़ कर और आधुनिक सुविधाएं आपको उन लेक्चर थिएटर्स में मिल सकें। यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ाई करते हैं, और इन लेक्चर थिएटर्स में बैठने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होता है। आप नीट पास करने के बाद जब एक डिसेंट रैंक और डिसेंट मार्क्स लाते हैं तब जाके कहीं आप रिम्स रांची में एडमिशन पाते हैं और इन लेक्चर थिएटर्स में बैठ के MBBS की पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ बैठते हैं, ये मंच बना हुआ है जहाँ पे टीचर्स खड़े होते हैं, और ये है प्रोजेक्टर के लिए स्क्रीन लगाया हुआ है। यहाँ पे प्रोजेक्टर से भी पढ़ाया जाता है, ऊपर लगा हुआ है ये प्रोजेक्टर। और इधर स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ाई करते हैं। इस लिहाज से कि ये लेक्चर थिएटर बहुत पुराना है, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। यहाँ पे AC भी लगे हुए हैं। यहाँ पे ये बेंच डेस्क देख रहे हैं आप बैठने के लिए, ये AC भी लगे हुए हैं। ऊपर साउंड बॉक्स भी है, साउंड सिस्टम लगाया गया है ताकि किसी को भी साउंड सुनने में असुविधा नहीं हो, सबको आवाज़ सुनाई दे। और जब हम पीछे से आगे की तरफ देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है, आप किसी भी कोने में बैठे हों आपको सामने देखने में असुविधा नहीं होगी। हालांकि यहाँ पीछे वे स्टूडेंट्स बैठते हैं जिनको क्लास में सोना होता है और पढ़ाई नहीं करना होता है। और आप ऐसा मत समझिएगा कि आप किसी कोने में बैठकर सो रहे हों तो टीचर्स की आप पर नज़र नहीं पड़ेगी। ये है स्टेज से जब टीचर्स देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है, सभी लोग नज़र में होते हैं। और जब आप बीच में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको स्टेज पे कुछ ऐसा दिखता है, अगल बगल ऐसा दिखता है, पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहाँ करीब 150 स्टूडेंट्स बैठते हैं, हालांकि 200 स्टूडेंट्स भी बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हालांकि आने वाले समय में हो सकता है नेक्स्ट बैच से नए लेक्चर थिएटर्स में आपकी क्लासेज चलें। तो ये था क्लासरूम। दोस्तों हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, आपको भी सौभाग्य मिले इन लेक्चर थिएटर्स में बैठ के MBBS की पढ़ाई करने का। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आप तक इसी तरह के और भी वीडियोस पहुंचाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।